तो उसमें मुझे एक लड़की मिली, उसका उससे बात हुआ, फिर उससे और बात हुआ, फिर वक्त एक रिलेशनशिप में आया। बेसिकली बाहर जाना, हॉस्टल में गर्ल्स, और क्या हो सकता है, हॉस्टल लाइफ, गर्ल्स, उनके पीछा करना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम प्रत्यूष आनंद है, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं कोटा आया था, कोटा सो स्टूडेंट स्टडी हब जिसको बोलते हैं नाउडेज। मैं कोटा आने से पहले एलएन में एडमिशन लिया था, टेंथ के बेसिस पे। लाइक मैंने टेंथ में साइंस, रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप की वजह से आपका सिलेक्शन हाँ मेजर 70% यस, एंड दोस्ती यारी उसके कारण भी नहीं हुआ रिलेशनशिप। आपके हिसाब से कि प्रिपेयर करने की नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। मेरा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या किसी और का नहीं होगा। मेरा तो डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर होता है, अपने अंदर से क्रिएट किया जाता है, उसके कारण डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आप में वो काबिलियत है कि आप एक एक एम पे, एक फोकस, एक गोल पे अगर आप एम कर रहे हो, तो आप कोटा जाओ, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतनी है। वहाँ पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव बच्चे मिलेंगे, उनके साथ आपको बैठने या उनका उनसे एक्सपीरियंस लेना और देना दोनों मायने करेगा। सो इट्स वर्थ गोइंग। एंड रही बात अगर आप नीट ले रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ कोटा जाओ, क्योंकि कोटा में जो पढ़ाई मिलती है, कोटा के जो स्ट्रक्चर है, स्टडी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जैसे पढ़ाया जाता है, आई डोंट थिंक सो लाइक कहीं और पढ़ाया जाता हो।